हाय गाइस, वेलकम बैक। वो पहले फोन सेट करने के चक्कर में वीडियो ही डिलीट हो गई। मेरी डिलीट हो गई या पॉज हो गई मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। मैंने रिपीट स्टार्ट कर दिया। कोई नहीं, तो ये जो वीडियो है, मैंने टॉपिक तो बता ही दिया है। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं नॉन हाफ एंड फुल रोस्टेड में, ठीक है। वैसे काफ़ी प्यारे और अच्छे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करना, पूरी करना मेरा काम है, तो वो मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक हो। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले, रुकी, इसको पहले हम साइड करेंगे। ये प्लेटर लेके बैठी हूँ मैं आज, और थोड़ा सा जूम करेंगे और फिर मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे नाकूमट से, ठीक है। नाकूमट के लिए मैं कुछ पीसेस ले लूँ तो आपको पता चल जाएगा, तो मुझे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ मैं एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है, बाय द वे। यस, इट्स माय पर्सनल कलेक्शन। चलो इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। ओके, फाइनली फाइनली, रुकिए मैं आपको अच्छे से अरेंज करके बता दूं कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये कैमरा में कितना डिफरेंट दिख रहा है, ये आई डोंट नो। ओके, अब सब दिख रहा होगा। आई जस्ट विश, यहाँ पे आ जाओ यार, ठीक है। ओके, थोड़ा सा जूम करेंगे हम इसको ताकि आपको पता चले। चलो सबसे पहले मैं दिखा दूँ नॉन रोस्टेड नाकुमट। देखो नाकुमट में है तीन टाइप्स, सॉरी पांच टाइप्स है फिलहाल, तो देखे जाए तो चार मेन है, ठीक है। नाकुमट में है नॉन रोस्टेड नाकुमट, ठीक है। तो ये है नॉन रोस्टेड नाकुमट, लाइट अच्छे से सेट हो चुकी है अभी, और ये ट्यूबलाइट में नहीं है, नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। ये भुना नहीं जाता, जैसे आता है वैसे ही सेल किया जाता है, ये है नॉन रोस्टेड। अब नॉन रोस्टेड में भी बहुत सारा टाइप्स है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये रेडिश, येलोइश, क्रीम कलर, पिंक कलर, तो ऐसे बहुत सारी वैरायटीज होती है। कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ यही समझ आता है कि नॉन रोस्टेड है, बिल्कुल ये नॉन रोस्टेड ही है, लेकिन जब थोड़ा सा कलर लग जाता है तो कुछ लोग इसको कुछ और बोल के भी सेल करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर एक इंसान पे। तो ये तो फिलहाल है नॉन रोस्टेड, जो भुना नहीं जाता, रोस्ट नहीं किया जाता, जैसा है वैसा ही सेल किया जाता है। क्रीमी होता है, इसका टेक्सचर बता दूँ, थोड़ा सा क्रीमी होता है, क्रंची होता है, लेकिन रोस्ट ना होने की वजह से बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। नॉन रोस्टेड में मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा ग्रेटीनेस मिलता है, यस मिलता है। तो अच्छा क्वालिटी और अच्छा क्ले हो, ठीक है, तो वैसा आपको लेना चाहिए। ये हो गया नॉन रोस्टेड। आगे बढ़ते हैं हाफ रोस्टेड नाकोमेट। अब ये है सारे के सारे हाफ रोस्टेड नाकोमेट, दिख रहा होगा अच्छे से। ये देखिए ये क्या है, ये है हाफ रोस्टेड नाकोमेट। मैं आपको बता दूँ, इनको थोड़ा सेट करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। हाफ रोस्टेड इसलिए, देखो मैंने पहले भी कहा था कि प्रोसीजर कैसे होती है, जो रोस्टिंग की प्रोसीजर होती है, रोस्टिंग की प्रोसीजर ऐसी होती है कि लेयर वाइज दिखाया जाता है ना, लेयर वाइज बिछाया जाता है सारा क्लेस, एक लेयर नीचे, उसके ऊपर जो भी रुई होती है वो, चारा होता है वो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। वह हर किसी का रोस्टिंग प्रोसीजर अलग अलग होता है। तो नीचे का लेयर जो होता है, ठीक है, तीन अगर लेयर में जा रहा है ना तो सेम ही रोस्टेड होता है वो, एकदम ऐसे वाला। ये दिख रहा है आपको, एकदम वाइट है, प्योर वाइट टाइप है, और बिल्कुल भी ज्यादा रोस्टेड नहीं है। ये देखो दिख रहा है, आई होप लाइट सही है ताकि आप इसको सही से देख सको। एक सेकेंड, ओके, ये देखो ये कंप्लीट वाइट है, थोड़ा सा रोस्टेड है, थोड़ा सा। तो हाफ रोस्टेड में भी दो टाइप्स होते हैं, ये हाफ, ये भी हाफ रोस्टेड ही हो गया, और ये वाले भी हाफ रोस्टेड हो गए। देखो कैसे, ये बाहर से भले ब्लैक है लेकिन अंदर से
ऐसा है प्योर व्हाइट टाइप। अगर इसको कट करेंगे ना अंदर से तो व्हाइट निकलेगा अच्छा खासा, बस ऊपर का लेयर थोड़ा सा डार्क हो गया है। ये देखो ये थोड़े से डार्क है, ब्लैक नहीं है, ये काले नहीं है, ये डार्क ग्रे वाले हो गए हैं। तो हाफ रोस्टेड नॉन रोस्टेड देख लिया हमने। ये हाफ रोस्टेड में दो टाइप्स आते हैं, एक थोड़ा सा हल्का ग्रे और ऊपर से एकदम से अंदर से व्हाइट और ऊपर से लिटिल ग्रे, ये डार्क होते हैं ऊपर से और अंदर पूरे व्हाइट होते हैं। ठीक है, नाकूमट सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट यही है नाकूमट में, हाफ रोस्टेड, उसके बाद फुल रोस्टेड। हाफ रोस्टेड का लेने वाला जो क्राउड है वो ज्यादा है, जस्ट बिकॉज फुल रोस्टेड कभी कभी क्या होता है ओवर स्मोक की वजह से ना कड़वा लगने लगता है, तो ये नहीं लगता, ये परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट टेस्ट के साथ आता है। ठीक है, तो ये हो गया हाफ रोस्टेड नाकुमट, ये उसका सेकेंड टाइप था। लाइट हाफ बेक्ड, हाफ एकदम लाइट वाला बेक्ड वाला नाकुमट, ठीक है ये इसका है। इसी के साथ आता है फुल रोस्टेड, एक सेकेंड आपको ये दिखा दो। फुल रोस्टेड में ये है फुल रोस्टेड नाकुमट जो पूरा काला होता है। ये देखो यहां से भी हर जगह से, और ये भी जब आप इसको तोड़ते तो अंदर भी वो ग्रे ब्राउन ही निकलता है काला सा, ठीक है वो व्हाइट नहीं निकलता। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन हाफ रोस्टेड एंड फुल रोस्टेड, ठीक है दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये देखो। ठीक है, पीछे से दोनों सेम दिखेंगे ब्लैक ब्लैक टाइप में, लेकिन यहां से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है ना। ये पूरा काला होता है, जब इसको तोड़ते भी है ना तो भी अंदर से काला ही निकलता है, इसलिए ये होता है फुल रोस्टेड। काफी सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये होता है स्मोकी क्रंची क्रिस्पी, तो इसकी वजह से बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये हो गया फुल रोस्टेड नाकुमट। तो हमने क्या देखा, नॉन रोस्टेड, हाफ रोस्टेड एंड फुल रोस्टेड। ठीक है, आई जस्ट होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है एक लास्ट जला हुआ वर्जन ड्राई फ्रूट की बड़ी बहन, ये है ब्लैक हॉल। ये देखिए ब्लैक हॉल जो होता है वो कोई नया या डिफरेंट क्ले नहीं होता, ये जो नाकुमट है फुल रोस्टेड नाकुमट उसी का बड़ा भाई बोल दो। पूरा जला हुआ, पूरा काला, ओवर रोस्टेड मतलब ब्लैक हॉल होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनका पैलेट ब्लैक हॉल यूज़ करते हैं, ब्लैक हॉल खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रोस्टेड होता है, क्रीमी समटाइम्स क्रंची क्रिस्पी निकलता है अंदर से, पूरा जला हुआ यानी ब्लैक हॉल होता है। ये देखिए पूरा काला, इन एंड आउट कंप्लीट ब्लैक, कंप्लीट इसको तोड़ेंगे भी तो भी ब्लैक ही निकलेगा, तो इसको कहते हैं ब्लैक हॉल क्ले। ये भी एक तरीके का नाकुमट ही है। ठीक है, तो ये हो गए चार टाइप्स। और एक टाइप में बता दूं, अभी ये जो टाइप में दिखा रही हूँ ये टाइप ऐसा है कि इसमें आप कुछ भी और कितने भी नाम देख सकते हैं। ये है पिंक नाकुमट और ये है रेड नाकुमट। अब देखो इसमें डिफरेंस आप ही ढूंढ लो, ये पिंक नाकुमट है और ये है रेड नाकुमट है। देखो इसमें रेड कलर दिख रहा है आपको अच्छा खासा। ठीक है, तो रेड बोलो, पिंक बोलो, येलो नाकुमट बोलो, ग्रे बोलो, ग्रीन बोलो, ब्लू बोलो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये सारे के सारे, ये देखो ये दोनों पिंक है, सॉरी रेडिश है, और ये सारे पिंक है। बहुत अच्छा स्टॉक था, खत्म हो गया है, नया मुझे नहीं मिल रहा। ये मैंने खुद का पर्सनल स्टॉक आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल स्टॉक है, मेरा खुद का। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं डिफरेंस क्या होता है। ये है पिंकिश और ये है रेडिश, तो इसको बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। थोड़ा सा डॉट आ गया ये रेड हो गया, थोड़ा सा पिंकिश आया कलर बीच में ये पिंक हो गया। सो ये फर्क होता है बस, और कुछ नहीं होता है। स्टॉक आउट है, जैसे आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन एक बता दूं टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता है हाफ रोस्टेड के और इसके, ये एग्जैक्ट सेम ही होते हैं। लेकिन क्या है ना, समझ लीजिए अब आप मुझे क्या कहना है। तो आई जस्ट होप आपको क्लियर हो गया होगा। पिंक पिंक नाकुमट साइड करेंगे, रेड वाला नाकुमट इसको भी साइड करेंगे, ब्लैक हॉल फुल रोस्टेड, हाफ रोस्टेड
नॉन रोस्टेड दिखा। ओके चलो डन एंड डस्टेड। अब नाकू मटका हो गया, अच्छे से समझ आ गया आपको नाकू मटका। ओके अब हम जाएंगे बटर ग्रे पे। एक सेकेंड मुझे ये सारे यहाँ पे रख लेने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो स्टॉक है ये जो मेरा स्टॉक है ये मैंने बहुत पहले ही निकाला था, जो एक आया था कट्टा, उसके बाद मुझे ऐसा मिला नहीं है। अभी फिलहाल जो मेरे पास है वो तो और भी अच्छा है, बट मैं ढूंढ रही हूँ उसको भी। चलो अब हम बटर ग्रे पे आते हैं। कुछ पीसेस मैंने सारे रखे थे, मैं बता दूँ आपको डिफरेंस उनका क्या है कैसा है, पता चलेगा आपको। बटर ग्रे बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास बचा हुआ, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी जो भी अवेलेबल है मैं दिखा दूंगी आपको। ठीक है ये आया बटर ग्रे। मेरे पास रेड के कुछ पीसेस थे वो भी देखने होंगे मुझे, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेड के पीसेस ले गया। आ गई मैं, वेलकम बैक। तो मैं यहाँ बता रही थी आपको अभी बटर ग्रे का डिफरेंस। ठीक है बटर ग्रे में जो डिफरेंस डिफरेंट टाइप से हम वो दिख रहे हैं, ये है नॉन बटर, नॉन रोस्टेड बटर, मेरे पास इतना ही है अभी फिलहाल, सारा गोडाउन पे है। ये है नॉन रोस्टेड बटर ग्रे, जो रोस्टेड नहीं है। ये होता है स्टिकी, गमी, क्रंची है, यस इट्स क्रंची, बट रोस्ट नहीं हुआ है इसलिए ये है गमी एंड स्टिकी। बहुत ज़्यादा अर्दी होता है, ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी से बेटर होता है ये, टेस्ट बहुत आता है इसका, बहुत अच्छा, बट रोस्टेड ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको नहीं यूज़ करते क्योंकि ये गम्स में चिपक जाता है, पैलेट में चिपक जाता है। ठीक है तो बटर ग्रे जो होता है वो एक टाइप का मुल्तानी मिट्टी जैसा ही होता है, लेकिन जब वो रोस्ट होता है तो उसका क्वालिटी, टेक्स्चर और टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग रोस्टेड ही प्रेफर करते हैं। ओके तो ये है नॉन रोस्टेड बटर फर्स्ट टाइप। उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो है सेकेंड टाइप। ये देखिए कैसा रोस्ट है, ये देखिए ये है येल्लो बटर, येल्लो टाइप ऑफ बटर, येल्लो कलर है इसमें, देखो अच्छा खासा येल्लो कलर है, बहुत ही कम रोस्टेड वाला है, इसको आप हाफ रोस्टेड बटर भी बोल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा टाइप्स निकला है, सिंगल रोस्टेड, डबल रोस्टेड, ट्रिपल रोस्टेड, लेकिन ये जो है ये सिंगल रोस्टेड आप बोल सकते हो, ये है सिंगल रोस्टेड बटर जो लाइटली स्लाइटली और लाइटली रोस्टेड है। ठीक है लेस गमी, लेस स्टिकी, क्रंची, क्रिस्पी एंड सो अर्दी एंड यमी। ठीक है तो ये था नॉन रोस्टेड, बिल्कुल भी रोस्ट नहीं हुआ है, और ये जो है ये हाफ रोस्टेड बोल सकते हो नाकोमेट की तरह, जिसको हाफ बेक किया गया है। क्लियर। दूसरा उसके बाद जो है थर्ड टाइप जो है उसको हम बोलेंगे हाफ रोस्टेड, सॉरी रोस्टेड बटर ग्रे। लुक एट दिस टेक्सचर, टू यमी टू अर्दी, मोस्ट ऑफ द यही प्रेफर किया जाता है। ये सिंगल रोस्ट है, आप इसको रोस्ट सिंगल रोस्टेड और या सिर्फ रोस्टेड बटर ग्रे भी कह सकते हैं। इसका मैं डिफरेंस आपको बता दूं, डिफरेंस देखिए ये बड़े पीसेस तोड़े हुए हैं, तो बड़ा पीस जो होता है, इतना बड़ा पीस होता है, ये जब पीस तोड़ा जाता है तो बाहर से ब्लैक होता है, अंदर से कंप्लीट वाइट होता है। उससे क्या होता है कि ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं होता, ये नॉन स्टिकी है, नॉन गमी है, क्रंची, क्रिस्पी, स्मोकी एंड टू अर्दी, इट्स यम। ये बहुत अच्छे से पिघल जाता है मुंह में और इसका टेक्सचर बहुत प्यारा होता है, क्रीमी क्रिस्पी। ये कभी बटर ग्रे ग्रेटी होता ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बटर ग्रे ग्रेटी निकला है वो मुझे फेक लगते हैं। पहली बात तो मैंने बहुत सारा ट्राई किया है हर जगह से, हर क्वालिटी का बटर ग्रे कभी ग्रेटी नहीं होता है। तो ये है सिंगल रोस्टेड बटर ग्रे कह लो या रोस्टेड बटर ग्रे कह लो। क्लियर। नेक्स्ट ये है एक सिंगल हो गया। ठीक है हम जाएंगे डबल रोस्टेड पे। अभी एक मिनट आपको दिखा दूं मैं डबल रोस्ट, इसको तोड़ के दिखाऊं क्या,
टूटना चाहिए। ये है डबल रोस्टेड बटरग्रे, ये देखो ये पिंक रोस्ट बटरग्रे निकला है। तो ये डबल रोस्ट ऐसा होता है कि मतलब अच्छा खासा रोस्ट हुआ, इसका नेक्स्ट लेवल, इसका जो होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सिंगल और डबल ही प्रेफर करते हैं क्योंकि क्रंची क्रिस्पी होते हैं। ये बहुत अर्दी स्मोकी नॉन स्टिकी एंड बिल्कुल भी गमी नहीं होता। अब जाएंगे हम ट्रिपल रोस्ट पे। अब ट्रिपल रोस्ट पे ये सीन है भाई, ट्रिपल रोस्ट का मतलब, एक सेकेंड गिर गया, ट्रिपल रोस्ट का मतलब पता है क्या है, मैं आपको बता दूं, जला हुआ ड्राई फ्रूट या ब्लैक होल जिनको पसंद है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो आप इसको पूरा कंप्लीट ट्रिपल रोस्ट मतलब क्रंच करने में भी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्रंच करना, दांत पूरे चले जाते हैं इसमें, इतना हार्ड होता है। मेरे पास अवेलेबल है लेकिन मैंने सेलिंग के लिए रखा ही नहीं, 30 या 40 किलो होगा इसलिए मैंने बहुत कम ऐड किया है हर एक ऑर्डर में, दो दो पीसेस, ताकि हर एक कस्टमर को पता चले कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स कस्टमर्स यही प्रेफर करते हैं कि सिंगल और अपना नॉर्मल बटरग्रे उसका मिक्स। ट्रिपल रोस्ट पे जो बात आ जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये क्रंची तो होता है बट टेस्ट उसका बहुत चला जाता है बटरग्रे का, और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सो क्वाइट डिफिकल्ट टू च्यू। ओके क्लियर। अब इसके बाद हम जाएंगे अलग वराइटीज पे, जैसे कि ये जो मेरे पास है ये है येल्लो बटरग्रे, ये देखिए इट्स कम्प्लीटली येल्लो इन कलर। अब ये कितना आपको दिख रहा है मुझे पता नहीं, नज़दीक से दिखा दूँ, ये येल्लो बटरग्रे है, सेलिंग के लिए नहीं है डियर, बहुत कम है, बट वेरी अर्दी, वेरी टेस्टी, वेरी क्रंची एंड वेरी क्रिस्पी। टेक्सचर थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अच्छा खासा रोस्ट है इसलिए ये स्टिकी नहीं होता, गमी नहीं होता और बहुत ज़्यादा अर्दी होता है। ये देखिए ये बहुत बड़ा पीस था जो मैंने उसको तोड़ दिया, ये एक ही पीस था पूरा जो मैंने तोड़ दिया है। ये देखिए ये है येल्लो बटरग्रे। तो कितने टाइप्स देखे हमने, नॉन रोस्टेड, ठीक है, नॉन रोस्टेड देखा, उसके बाद हमने देखा हाफ रोस्टेड, सिंगल रोस्टेड, डबल रोस्टेड, ट्रिपल रोस्टेड, येलो रोस्टेड, ये सिक्स नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पिंक नाकुमट, नहीं सॉरी पिंकिश बटरग्रे, नॉन नाकुमट नहीं, बटरग्रे चल रहा है, ये है पिंकिश बटरग्रे। ये देखिए इसको आपको, इसमें आपको पिंकिश शेड दिखेगा, अच्छा खासा रेडिश, सेलिंग के लिए नहीं है ये भी मेरे पास अवेलेबल, आएंगे स्टॉक, आएंगे कब आएंगे मुझे भी पता नहीं है बट आएंगे। सामने वाले से बस कंफर्मेशन आया है गोडाउन से, बस और आगे कुछ नहीं बात बढ़ी है। तो ये देखिए पूरा रेड है, अभी लाइट का बहुत इशू है भाई, पूरा कंप्लीट रेड कलर में है, देखो कंप्लीट रेड है, कंप्लीट रेड। ठीक है, तो ये एक टाइप है बटरग्रे का, समझ रहे हैं आप, मैं आपको टाइप्स दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। उसके बाद ये है पिंक बटरग्रे, पिंक बटरग्रे मैंने कहा है, क्या कहा है, मैंने पिंक बटर नहीं कहा है, ये मैंने कहा है पिंक बटरग्रे, ये कंप्लीट पिंक है, देखिए दिख रहा है आपको, कंप्लीट पिंक है, ये देखिए यहाँ से भी देखिए कंप्लीट। तो जो ग्रे होता है और पिंक होता है उसको कहते हैं पिंक बटरग्रे। अब इसको हम तोड़ेंगे तो अंदर से ये देखो शेडिंग निकली ना, लेयर्स और शेडिंग, तो ये पिंक बटरग्रे हो गया, ये पिंक बटर नहीं हुआ, पिंक बटर मैं दिखाऊंगी अभी आपको, रुकिए। ये है पिंक बटर जो मेरे पास अभी इतना ही बचा है, ये एक्चुअली बहुत डार्क है लेकिन फ़ोन में नहीं लग रहा है, इनके फ़ोटोज़ में डाल दूंगी ज़रूर। तो ये है पिंक बटर और ये है रेड बटर, ये देखिए ये है सारे रेड बटर, ये रेड बटर है मेरे पास अवेलेबल, इतना ही है बचा हुआ वो भी क्रम्बल्स फॉर्म में, ये है रेड बटर और ये है पिंक बटर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए इसकी फ़ोटोज़ लूँगी ना तो बहुत प्यारी आएंगी और बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ठीक है, ये पिंक बटर हो गया, रेड बटर हो गया, ये पिंक बटर, तो हमने कितने टाइप्स देखे, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। अब ये जूम आउट होगा और सारे टाइप्स में आपको गिरा, कुछ तो गिरा
दिखाऊंगी, एक सेकेंड अरेंज कर लो, फिर आपको मैं डिफरेंस इनका अच्छे से बता पाऊंगी, ठीक है। जिनकी भी रिक्वेस्ट थी मैंने आज पूरी करी है भाई, बहुत टाइम से वो बोल रहे थे, तो मैं बता दूं कि रिक्वेस्ट आपकी पूरी हो गई है जब ये वीडियो अपलोड होगी तब। अब ये करेंगे जूम आउट थोड़ा सा, लेट मी चेक। ओके हो गया जूम आउट, थोड़ा नज़दीक ले लेते ताकि अच्छे से फिट हो जाए और अच्छे से मैं वापस दोबारा से रिपीट कर सकूं। ओके डन। देखिए अब मैं बताऊँ आपको मैंने क्या क्या आपको बताया था। नॉन रोस्टेड बटर, ये वाला नॉन रोस्टेड बटर है, ठीक है। ये यहाँ जाएगा, लाइन से रखते हैं थोड़ा सा तो सही हो जाएगा ना बताने में मुझे भी। ये यहाँ आ जाएगा। ओके ये है नॉन रोस्टेड बटर, हाफ बेक्ड, सिंगल से भी नीचे वाला हाफ बेक्ड बटर, ग्रे बटर ग्रे। ये वेरी पॉपुलर जो रेगुलर यूज़ करते हैं सिंगल रोस्टेड बटर, ठीक है, बटर ग्रे। ये डबल रोस्टेड बटर ग्रे, ट्रिपल रोस्टेड बटर ग्रे। ये जो है येलो बटर ग्रे है, ठीक है, देख लो येलो बटर ग्रे। नाम तो देखो, दो कलर एक ग्रे में एक बटर पे, येलो बटर ग्रे। पिंक रेडिश बटर ग्रे मिक्स, पिंक बटर ग्रे, पिंक बटर, रेड बटर। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जैक्ट 10 वराइटीज है बटर की। वेरी नाइस, इसकी फोटो जरूर लूंगी मैं। तो ठीक है ये हो गया, और जो नाकू मटका था वो भी आपको पता चल गया। उसके अलावा बहुत सारी क्लेज होती है, जैसे कि खाड़ी में भी बहुत सारी क्लेज होती है, और उसी के साथ साथ खाड़ी के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं स्लेट आइटम, उनका मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तो खाड़ी में या क्ले चौक में क्ले में एक ही है मेरे पास अवेलेबल, ये है वाइट क्ले। ये खाड़ी नहीं है, ये वाइट क्ले है, क्रिस्पी क्रंची यम्मी वाला। तो ये वाइट क्ले है, खाड़ी नहीं। खाड़ी क्या होती है मैं आपको डिफरेंस बता दूँ शॉर्टकट में। खाड़ी मतलब जो ऑलरेडी नॉन रोस्टेड होती है और बहुत पाउडरी होती है उसको खाड़ी बोलते हैं। ये जो है ना समटाइम्स रोस्टेड भी होते हैं और क्रंची और क्रिस्पी होते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो आई जस्ट होप ये सारे डिटेल्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको क्लेस के बारे में दी है, नाकू मटन बटरग्रे के बारे में आपको पता चल गई होगी। ड्राई फ्रूट मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। नाकू मट में बहुत सारी वराइटीज़ है, अभी डायमंड क्ले है, ग्रे क्ले है, ठीक है, एलिफेंट क्ले है, बहुत सारी क्ले से बहुत सारी ग्रे गाची, बहुत 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 सारी चीज़ें, लेकिन मेरे पास नहीं रहती, मैंने उनको रखा ही नहीं क्योंकि उनका सेल बहुत कम है। लेकिन ये भी क्लेज होती है, ये बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया। तो आई जस्ट होप ये वीडियो आपको यूज़फुल होगी, आपने थोड़ी सी तो नॉलेजेबल होगी जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी। फाइनली मैंने रिक्वेस्ट उनकी कंप्लीट की है, बहुत सारी रिक्वेस्ट बटरग्रे के लिए आ रही है और बहुत सारे लोगों ने खरीदा है और उनको पसंद भी आया, तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी। तो कीप शॉपिंग, नंबर तो आपको पता ही है 9158522374, उस पर ज़रूर मुझे पिन कीजिएगा, ठीक है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। चलो अब वीडियो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जल्दी 8K होने वाले हैं, मैं चाहती हूँ जल्दी ही 10K हो जाए, विद इन अ मंथ मेरे 10K हो जाए, मैं बहुत चाह रही हूँ और मुझे लग रहा है टचवुड हो भी जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सेलिब्रेट करेंगे यार, 5K पे मैंने केक कट नहीं किया था क्योंकि कुछ कमेंट्स आ गई थी तो थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार 10K पे तो सेलिब्रेशन ज़रूर होगा डियर, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपना ध्यान रखो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कोई नई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर मुझे बताना। और हाँ, क्ले पॉट के लिए किसी ने बोला था, मेरा क्ले पॉट का पार्सल आ चुका है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो क्ले पॉट के लिए होगी, अनबॉक्सिंग होगा अच्छे से, मैं उसमें शेयर कर दूंगी सारे डिटेल्स, ठीक है, आप देख लीजिएगा वीडियोस को पूरा देखें, कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो गाइस ध्यान रखो, टेक केयर, बाय।